और चलिए इस बीच बड़ी खबर भी आ रही है, उससे रूबरू करा दें आपको। कृषि भूमि की 90A करवाने की जरूरत खत्म हो सकती है। कल पेश किए जाने वाले बजट में सीएम गहलोत इसकी घोषणा कर सकते हैं। जानकारों के अनुसार कृषि भूमि जो मास्टर प्लान की अर्बनाइजेबल लिमिट में है शामिल, उसके लिए 90A की कार्रवाई को मानी जाएगी डीम्ड। कृषि से कृषि उपयोग के लिए भू रूपांतरण कार्रवाई यहाँ पर डीम्ड मानी जाएगी, और ऐसा होने पर कृषि भूमि की अलग से 90A करवाने की कोई जरूरत नहीं होगी और इस सीमा में आने वाली समस्त भूमि संबंधित निकाय में समर्पित हो जाएगी। मास्टर प्लान या जोनल प्लान की सड़कों का निर्माण यहां पर आसान हो सकेगा। रोड नेटवर्क मजबूत होने से बाहरी इलाकों की जमीनों की भी यहां पर उपयोगिता बढ़ेगी। 90A डीम्ड माने जाने पर लोग सीधे अपने भूखंड का पट्टा भी ले सकेंगे। मास्टर प्लान में दर्शाई जन सुविधा की भूमि जुटाना लैंड पूलिंग से होगा आसान। वही इसके लिए भू राजस्व अधिनियम, नगर सुधार न्यास अधिनियम, नगर पालिका व प्राधिकरण अधिनियम में भी बदलाव किया जाएगा। संशोधन विधेयक विधानसभा के इसी सत्र में पेश किया जा सकता है। 90A की लंबी प्रक्रिया में लगने वाले वक्त की यहां पर बचत होगी। प्रदेश में विभिन्न सेक्टर्स में निवेश करना पहले से आसान होगा। पिछली गहलोत सरकार में ही जोड़ी गई थी 90A की धारा, वही भू कारोबारियों में तब चर्चित धारा 90B को खत्म किया गया था।